तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि टावर एसी के आईडीयू में क्या क्या मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, और आउटडोर में क्या क्या इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि टावर एसी का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी एसी का जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जगह का निरीक्षण करते हैं कि किस जगह पे हमें एसी को लगाना है या आउटडोर को किस जगह पे लगाना है। तो अगर हम लोग टावर एसी का बात करें तो किसी भी कमरे में या तो फिर किसी भी बड़े हॉल में टावर एसी को लगाने के लिए हम लोग कॉर्नर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यह टावर की तरह लंबा होता है और बड़े बड़े हॉल में या तो फिर होटल्स में कॉर्नर का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इसे ज्यादातर हॉल के कॉर्नर में लगाते हैं। अगर हम आउटडोर की बात करें तो आउटडोर को लगाने के लिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसकी आईडीयू और ओडीयू की जो दूरी हो वो कम से कम। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि टावर एसी में आईडीयू और ओडीयू को हम लोग मैक्सिमम 20 मीटर तक रख सकते हैं। जब हम लोग आउटडोर को इंस्टॉल करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि आउटडोर के चारों तरफ खुली जगह होना चाहिए, तीन तरफ कम से कम 1 मीटर और सामने की तरफ से कम 3 मीटर। अगर हम लोग उतना गैप नहीं देखते हैं तो उसमें कंडेंसेशन प्रक्रिया में प्रॉब्लम होगा और हमें सफिशिएंट कूलिंग नहीं मिल पाएगा या तो फिर हमारा एसी जो है वो बार बार ट्रिप करेगा। तो जब कभी भी हम इंस्टॉलेशन करते हैं तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही इंस्टॉलेशन करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज के इस टावर एसी के वीडियो से आप लोगों ने सीखा होगा कि टावर एसी दिखने में कैसा होता है, टावर एसी के आईडीयू में क्या क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, क्या क्या मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, ओडीयू में क्या क्या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं, क्या क्या मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। यह सिस्टम जो है 3 फेज से चलता है। इस 3 फेज से अगर सिस्टम चल रहा है तो इसके सेफ्टी के लिए क्या क्या उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स या पार्ट्स लगे हुए हैं, या तो फिर इसका इंस्टॉलेशन के समय में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।